नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सोनिका वाजपेयी, ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट एट बी क्लिनिक होम्योपैथी। आज मैं आपसे हमारी क्लिनिक से ट्रीटमेंट लेकर के ठीक हुए पेशेंट का फीडबैक साझा करूंगी। हेलो। हेलो, हाँ जी, ये संतोष कुमार जी बात कर रहे हैं? हाँ जी, बोलिए। जी जी, मैं डॉक्टर सोनिका वाजपेयी बात कर रही हूँ बी क्लिनिक से। हाँ जी, हमारी क्लिनिक से आपका ट्रीटमेंट चल रहा था। हाँ जी जी, शियाटिका की कंडीशन थी आपकी? नहीं, एंकल लूजिंग स्पॉन्डिलाइटिस था मुझे और डिस्क बल्ज था D11 पे। अच्छा अच्छा, D11 और 12 पे। अच्छा अच्छा, एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से आप परेशान थे है ना? और डिस्क बल्ज भी था उसका, एक बार लिगामेंट टर्न फ्लेवम का हाइपरट्रॉफी हुआ था, उसका ऑपरेशन भी हुआ है। अच्छा अच्छा जी जी, मतलब मेनली कमर में बहुत ज्यादा पेन कड़क वो सब जगह थी। अच्छा अच्छा जी जी, अभी जैसे आप मेडिसिन ले रहे हैं तो पहले से कितना रिलीफ दिख रहा होगा आपको? 70% जो मैं फर्स्ट टाइम लिया था ना, उस समय तो बहुत आराम हुआ था, पर उतना ही रह गया। मैं खुद भी डॉक्टर हूँ, तो जब जिस दिन ज्यादा देर ओपीडी में बैठ गया तो शाम को अकड़न ज्यादा हो जाती है। अच्छा अच्छा, इम्प्रूवमेंट है पर हो गया कि कम्प्लीट नहीं। अगर मैं ज्यादा बैठ गया तो अकड़न बढ़ गया। ठीक है, आप उसे कंटिन्यू करेंगे और बाकी 70% पे स्टैंडस्टिल कंडीशन है, इसके लिए हम देखते हैं, लास्ट किट भेजी जाएगी, उससे आपको काफ़ी बेनिफिशियल रिस्पांस रहेगा। और बाकी जो भी प्रिकॉशन आपको बताया गया था, क्योंकि ये एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है ना, आपको भी पता होगा, तो उसके लिए जो भी आपको डाइट और एक्सरसाइज ये सब चीज़ें बताई गई हैं उसको अभी एज इट इज़ फॉलो करिएगा। ठीक है जी, बाकी कोई भी समस्या लगे तो हमें कॉल करके बताएंगे। ओके।